तो हम पाइथन की इस सीरीज में हैं जिसमें हम पाइथन को बहुत ही बेसिक से प्रो लेवल तक जानेंगे, जहां तक हमें जरूरत है, और फिर आगे बाकी बुक्स को कंसीडर करेंगे। लेकिन फिलहाल यूट्यूब पे जितना हम सीख सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो उसी का एक भाग हम अगला सीखने जा रहे हैं, यह है इफ स्टेटमेंट का हम यूज कैसे करते हैं पाइथन में। प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफी स्ट्रिंग्स वगैरह के बारे में बताया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? एक्चुअली इफ स्टेटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज दे अलाउ अस टू बिल्ड प्रोग्राम दैट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। एक्चुअली जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे अपना ये सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने सबसे पहले ये बोला था कि पाइथन एक नॉर्मल सी लैंग्वेज है, बहुत ही आसान पड़ेगी सीखने में, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश की तरह चीजें यूज करते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो ये काम करो, अगर ऐसा नहीं है तो ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए। तो अब वो मुद्दा यहाँ पे आएगा इफ स्टेटमेंट पे। जैसे इफ इट इज हॉट, अगर बाहर गर्मी है तो हम क्या करेंगे, कर सकते हैं ड्रिंक वाटर और कोल्ड ड्रिंक, अदरवाइज यानी एल्स क्या करेंगे हम, अगर ठंडी है, अगर गर्मी नहीं है तो क्या है, ठंडी है तो हम क्या कर सकते हैं, वियर करेंगे वार्म क्लोथ्स। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज है, देखते हैं। इफ इट इज हॉट, अगर ये गर्म है यानी दिन गर्म है तो ड्रिंक वाटर, अगर ऐसा नहीं है तो ठंडे कपड़े, ठंडी के कपड़े पहनो, मतलब गर्म कपड़े पहनो, वियर वार्म क्लोथ्स। अब इसको ये पाइथन को अगर हम ऐसे कहेंगे तो देखिए बहुत सारे एरर आ रहे थे, तो इसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बुलियन वैल्यू का यूज करेंगे, इज हॉट नॉट हॉटी, इज हॉट। इसको हमने अभी फिलहाल हम इसको ट्रू कर देते हैं, इज हॉट ट्रू, यानी अभी मैं मान के चल रहा हूं, प्रोग्राम को मैं बता रहा हूं कि हाँ इस समय गर्मी है, ठीक है। ये यूनिवर्सल, हमने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कर दिया कि इज हॉट ट्रू, यानी हॉट है। अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ये इफ स्टेटमेंट हमने लिख दिया, इफ इज हॉट, इज हॉट मीन्स इफ इट इज ट्रू, देन वॉट टू डू, प्रिंट इट इज अ हॉट डे, प्रिंट करते हैं इसे, इफ इट इज हॉट डे देन प्रिंट इट इज हॉट डे, ठीक है। हमने यहां पे कंडीशन अगर ट्रू कर रखी है तो ये आएगा, अगर हम इसे फॉल्स करते हैं, यानी कि अब ये कंडीशन नहीं है, अगर ऐसा है तो होगा, अदरवाइज नथिंग विल प्रिंट, कुछ नहीं प्रिंट होगा, ये एम्प्टी आएगा। अब देखिए यहां पे फॉल्स हुआ तो कोई भी लाइन प्रिंट नहीं हुई। अब इसके लिए हमें आगे क्या करना है, इफ के अलावा हम क्या यूज करते हैं, एल्स, मतलब अगर ये कंडीशन है तो ये प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट करेंगे हम इट इज कोल्ड डे, सिंपल प्रिंट करके देखते हैं। देखिए ये यूनिवर्सल कंडीशन थी कि इस समय गर्मी नहीं, मतलब इस समय गर्मी नहीं है तो क्या है, ठंडी है, इट इज अ कोल्ड डे, ये प्रिंट हो गया इट इज अ कोल्ड डे। अगर ये यहां पे ट्रू होता, फिर से वही चीजें, अगर ट्रू होता तो अब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यानी इट इज हॉट, यानी ट्रू है, तो प्रिंट क्या करेगा, इट इज अ हॉट डे, राइट, इट इज अ हॉट डे। ये हमारा सिंपल इफ और एल्स कंडीशन है, इफ स्टेटमेंट हम इसको कहते हैं, और इसको हम आगे फ्यूचर में बहुत यूज करते हैं। तीसरी जो चीज आती है इफ एल्स में, हम अगर तीन कंडीशन हमारे पास हैं, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि अगर गर्मी नहीं है तो ठंडी ही हो सकता है एक नेचुरल डे हो, मतलब नॉर्मल डे हो, जिसको हम कह सकते हैं इट इज अ वेरी लवली डे, जो इस समय चल रहा है, ना ही ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो हम क्या करते हैं, पहली बात क्या हमारे पास आई, इफ इट इज अ हॉट तो हम प्रिंट करेंगे इट इज अ हॉट डे, अगर हॉट नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे कि वो कोल्ड है या नॉर्मल डे है, उसके अनुसार। तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, एफ एल्स यानी एलिफ, देखिए आ गया ना एलिफ, एलिफ
एलिफ यूज करने के लिए हमें एक और कंडीशन देनी होगी यहाँ पे, या तो हॉट है या तो इज कोल्ड। ओके, इसको अभी फिलहाल यहाँ पे हम फॉल्स देते रहे, ठीक। एलिफ यहाँ पे हमने लगाया इज कोल्ड, हम यहाँ पे हॉट का यूज कर चुके हैं ना, अब यहाँ पे हम कोल्ड का यूज कर रहे हैं कि या तो हॉट है या तो कोल्ड है। तो अगर कोल्ड है तो हम प्रिंट करेंगे अ कोल्ड डे। मैंने यहां से इसको कॉपी कर लिया है और इस पे कट कर लिया है, पेस्ट कर दिया है। अगर ये हॉट डे है तो प्रिंट करेगा इट इज अ हॉट डे, अगर ये कोल्ड डे है तो ये प्रिंट करेगा इट इज अ कोल्ड डे, अगर इन दोनों में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये प्रिंट करेगा इट्स अ लवली डे। प्रिंट कराएंगे यहाँ पे एंजॉय योर डे, या प्रिंट करेंगे इट्स अ लवली डे। ओके, तो अभी फिलहाल इज हॉट यहाँ पे ट्रू है, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू सेटिस्फाई हो जाएगी, ये फॉल्स है। रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। इट इज अ हॉट डे, राइट। अगर हम इसे भी फॉल्स कर दें देन इट इज अ लवली डे। ना ही ये हॉट ना ही ये यूनिवर्सल कंडीशन, मतलब इस धरती पे इस समय, मतलब जहां पे हम हैं उसकी वेदर कंडीशन ना ही बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है, तो ये क्या प्रिंट करेगा इट इज अ लवली डे। अब इसके अलावा इसके साथ में अगर हम इन तीनों लाइन के साथ में चाहे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो एक यूनिवर्सल लाइन हम प्रिंट करना चाहें तो इस एट्रेशन के इधर हम लोग प्रिंट करा लेंगे एंजॉय योर डे। ओके, ठीक है, प्रिंट करते हैं इट इज अ लवली डे एंजॉय योर डे। अगर अब इसमें क्या है, अगर ये ट्रू होगा तो हमारे पास आंसर आएगा इट इज अ हॉट डे एंजॉय योर डे। ओके, अगर ये फॉल्स होता है और ये ट्रू रहता है तो भी हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, बिल्कुल सही बात, इट इज अ कोल्ड डे एंजॉय योर डे। आई होप समझ में आ ही गया होगा कि हम कैसे इफ्स का यूज करते हैं। और इस तरह हम बहुत सारे प्रोग्राम लिखते हैं जो काफ़ी बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से इफ एलिफ और एल्स का यूज़ करके बहुत सारे कंडीशनल हम लोग प्रोग्राम आसानी से लिख पाते हैं।